गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम आपके जो क्लास एट है उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सिविक्स का, गवर्नमेंट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। और कल से माफ कीजिएगा, जो हमारा नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर बुक सीरीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने जो कल के वीडियो में सेकेंड और जो इससे पहले के पेज पर हेडलाइन हेडिंग है उससे पहले का और वो टॉपिक कंप्लीट करा था। हम आज उसके आगे का पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स टॉपिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो जो गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो गवर्नमेंट है उसकी पावर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेचर रिफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो लेजिस्लेचर जो होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जैसे एमपीज, एमएलए, जो नेता लोग रहते हैं वो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशियरी डिक्लेयर्स इफ एनी लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अल्ट्रा वाइज, यानी कि जो एक कंट्री की स्मूथ रनिंग के लिए जुडिशियरी ये देखता है कि कोई भी गलत लॉ तो पास नहीं किया गया एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो तीन ऑर्गन है ये तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे हम, नीड ऑफ लॉज, ये टॉपिक भी आपका कट हो चुका है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है लेजिटिमेसी ऑफ लॉज। As you know, the Constitution is ultimate source of law. तो हमें जैसे कि पता है जो Constitution है वो laws का एक ultimate source है। ठीक है, Only the Constitution can give validity or legitimacy to the law. तो जो Constitution है वही एक law को validity दे सकता है या फिर legitimacy दे सकता है कि हाँ आप इस देश में आ सकते हैं, इस देश में act कर सकते हैं। ठीक है, Some of such laws are as follows. और कुछ ऐसे laws हमें बताए गए हैं नीचे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो डाउरी क्या होता है? डाउरी होता है दहेज प्रथा को हम डाउरी कहते हैं। दहेज तो आप लोग को मालूम ही होगा क्या है, फिर भी पढ़ लेंगे यहाँ पर। डाउरी इज द मनी और गिफ्ट गिवन टू द ग्रूम्स ऑन द ब्राइड्स बाय द ब्राइड्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो डाउरी जो है मनी या फिर कुछ चीजें होती हैं जो लाड़े को दिए जाते हैं दुल्हन की तरफ से या दुल्हन की फैमिली से। ठीक है, ऑफन डाउरी डिमांड कंटिन्यू आफ्टर मैरिज। और कई बार जो है एक बार थोड़ी डाउरी लेने के बावजूद भी जो लड़के के परिवार के लोग हैं वो जो लड़की को परेशान करते रहते हैं कि हमें और डाउरी चाहिए, हमें और पैसे चाहिए। द इनएबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड्स रिजल्ट इन फिजिकल और मेंटल टॉर्चर ऑफ द ब्राइड एंड एक्सट्रीम केस लीड्स टू डेथ। और जब उसकी जो ब्राइड है यानी कि जो दुल्हन है वो अपने परिवार को नहीं बता पाती कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो कई केसेस में उन पर मेंटल टॉर्चर किया जाता है और फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है, उन्हें मारा पीटा भी जाता है। और ये कई बार एक्सट्रीम केसेस में बहुत ज्यादा जब होता है जब कई बार जो दुल्हन है जो ब्राइड है उसकी डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट एनीवन कॉट गिविंग टेकिंग डाउरी लेबर फॉर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और इस एक्ट के तहत जो भी व्यक्ति डाउरी यानी कि दहेज लेता और देता गया उसे या तो जेल कर दी जा सकती है या फाइन यानी कि उसे हर जाना करना जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये टॉपिक भी कट हो चुका है, अब नेक्स्ट टॉपिक का ही है द कमीशन ऑफ सती, सती एक्ट 1987। तो सती प्रथा भी एक तरह की प्रथा है जिसके तहत अगर किसी जो लेडी है उसका उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और लेडी जिंदा रहती है तो उस लेडी को हस्बैंड की जो चिता रहती है उस पर जिंदा जला दिया जाता है। तो इस एक्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है। सती इज द एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया विच वुमन आर फोर्स टू बर्न देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल प्रेस ऑफ देयर हस्बैंड। मतलब जो सती प्रथा है एक बहुत ही पुरानी प्रथा है भारत में जिसके तहत जो औरतें रहती है उन्हें अपने पति की चिता पर बिठाकर जला दिया जाता है। इन सम केसेस इट वाज नोन, भारत में तो कुछ एरिया में ये पहले बहुत ज़्यादा होती करती थी। ठीक है, अब है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक में आपको ब्रीफ आइडिया दूँ तो ये है कि अब कई बार
कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उसके फीटस यानी कि उसके पेट में जो बच्चा रहता है उसकी जांच के लिए उसकी सोनोग्राफी की जाती है। तो उसमें ये बताया नहीं जाता है कि वो जो फीटस यानी कि जो बच्चा है वो या लड़का है या लड़की है। अगर ऐसा बता दिया जाता है तो कई बार क्या होता है कि कोई कई परिवार अभी भी ये मानते हैं कि लड़कियां उन पर बोझ है, उन्हें पेट में मार दिया जाता था। लेकिन आज के दिन में ये लीगल जो है लॉ है और इसके तहत अगर कोई सा भी डॉक्टर आपको बताता है कि अगर आपके पेट में फीटस में क्या है, बच्चा है या बच्ची है तो उसे इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन हो सकता है, या तो उसे जेल या फिर फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है, इवन टुडे डॉटर्स आर कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल बर्डन बाय मेनी। आज के दिन भी जो डॉटर्स हैं की लड़कियां हैं जो बेटियां हैं उन्हें फाइनेंशियल बर्डन यानी कि एक आर्थिक बोझ समझा जाता है। ठीक है, दस फीमेल फीटिसाइड्स इज ऑन द राइज। तो इसलिए जो फीमेल फीटिसाइड्स यानी कि जो नवजात होता है लड़कियों का उसे मार दिया जाता है। दिस प्रैक्टिस हैज अफेक्टेड इज ऑन द राइज ऑफ द प्रैक्टिस हैज अफेक्टेड इन इंडिया सेक्स रेशियो। तो जो इंडिया का जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो कहते हैं उनसे उस पर भी इसने अफेक्ट करा है कि लड़के तो बहुत ज्यादा है और लड़कियां कम होती जा रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस देयर आर 2927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यानी कि सेंसस के मुताबिक इंडिया में हर 1000 मेल पर सिर्फ 927 फीमेल है जो कि बहुत कम एक जेंडर रेशियो है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। The PNDT Act prohibits the determination of the disclosure of sex of the fetus. यानी कि जो PNDT Act ये हमें रोकता है कि जो फीटस है उसका जेंडर बताने से। ठीक है, जो यानी कि जो बच्चा है उसका जेंडर बताने से हमें जो PNDT Act है ये रोकता है। Prenatal diagnostic techniques. It also prohibits any advertisement of prenatal gender discrimination. और ये जो है किसी भी prenatal जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका उसे भी रोकना है। एनी वायलेशन ऑफ द पीएनडीटी एक्ट कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन। और इस एक्ट जो पीएनडीटी एक्ट है इसका कोई भी वायलेशन यानी इसके खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो उसे जेल या फिर फाइन भरना पड़ सकता है। अब लॉ एंड डिसेंट, अब लॉ एंड डिसेंट क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। व्हेन अ लॉ मेड बाय गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देन पीपल प्रोटेस्ट द लॉ बाय शोइंग द डिसेंट। यानी कि कई बार जो गवर्नमेंट है कुछ लॉज निकालती हैं तो वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और इस लॉ के विरोध में कई लोग जो है मोर्चा खड़ा करते हैं या फिर जो हम कहें तो उसका विरोध करते हैं। विरोध करने को हम डिसेंट कहते हैं। दिस हैज हैपेंड क्वाइट ऑफन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ये कई बार होता था ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर भी लेकिन आज भी होता है। दिस स्टिल हैपेंस समटाइम्स इवन आफ्टर इंडिया हैज गेन इंडिपेंडेंस। और ये आज भी कई बार होता है इंडिया के आजाद होने के बावजूद। डिसेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो डिसेंट है वो दो प्रकार के होते हैं मेनली, कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। ठीक है, पहला, इन दिस फॉर्म ऑफ डिसेंट पीपल शो दैट डिसएग्रीमेंट इन अ पीसफुल मैनर इंस्टेड ऑफ डिसऑर्डरिंग द डिस्ट्रक्टिव वॉर्स। यानी इस प्रकार के जो पीसफुल डिसेंट होते हैं कंस्ट्रक्टिव डिसेंट उनमें लोग जो है माराकुटी नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जैसे बसेज या बिल्डिंग्स उन्हें जलाया नहीं करते, एक पीसफुल मायने में प्रोटेस्ट करते, पीसफुल तरीके से विरोध करते। ठीक है, और वही दूसरी तरफ आता है डिस्ट्रक्टिव डिसेंट। पीपल प्रोटेस्ट टू शो डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द लॉ व्हिच डू नॉट अफोर्ड व्हिच नॉट फेवरेबल टू देम। कुछ लोग जो है डिसएग्रीमेंट या जो उनकी जो विरोध है वो भी बताते हैं डिस्ट्रक्टिव डिसेंट के रूप में जो उन्हें अच्छे नहीं लगते लोग। वी ऑफन फाइंड स्टूडेंट कम्युनिटीज एंड यूनियंस ब्लॉकिंग रोड एंड सेटिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फायर बिकॉज दे आर डू नॉट हैप्पी विद द सिस्टम। और हम कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स और अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है रोड को घेर कर बैठ जाते हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हार्म पहुँचाते हैं, जिससे जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं, गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है और लोगों की भी उसमें चोट लगती है और जान जाती है कई बार। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट सत्याग्रह 1930 कट है, एंटी लिक्वर कैंपेन भी कट कर दिया गया है, रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे हम जो लास्ट पेज है हमारा और जो लास्ट टॉपिक भी होगा इस चैप्टर का। अ लॉ व्हिच इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल कैन बी डिक्लेयर्ड नल और वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, दस रूल ऑफ लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। दिस रूल ऑफ लॉ इज नोन एज द लॉ। तो जो रूल ऑफ लॉ का अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ
तो ये कहना है कि जो रूल ऑफ लॉ होता है इसके तहत ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन और उससे लॉ से बड़ा नहीं है, ठीक है, सब एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉ के छोटे ही हैं। तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चन आंसर बुक की साइज कंप्लीट करेंगे और 4 अगस्त से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। टेस्ट के लिए आपके कोर्स है तो दो चैप्टर, एक पहला हिस्ट्री का और पहला ही ज्योग्राफी का, दो चैप्टर है आपके कोर्स में। और इस चैप्टर का होमवर्क ये है कि जितने भी मैंने ब्लू में मार्क कराए आप पेन और पेंसिल से मार्क कर PDF के थ्रू जहाँ रखिएगा PDF के थ्रू ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू।